गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब रेडी हो चुके हैं हम सुबह निकलने के लिए। आगे का सफ़र हमारा लखनऊ एक्सप्रेस वे का है, जो पहुंचते हैं फिर बताते हैं। बाकी की जर्नी हम आगे चलते चलते देखेंगे। तो अभी थोड़ा लेट हो गया हूँ, जल्दी में निकल रहा हूँ, फिर पहुंचने के बाद बात करते हैं। सुबह की चाय और नाश्ता मिल चुका है। जो मैं सफ़र करते हैं इसमें कुछ ज़्यादा खाता नहीं हूँ, इसलिए चाय और नमकीन। ये है फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और अपने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है लखनऊ एक्सप्रेसवे की। मुझे लखनऊ तक तो नहीं जाना, मैं यहां से 75 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उतर जाऊंगा एक्सप्रेसवे से, और उसके बाद मुझे इटावा जाना है अपने गांव। तो चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं, देखते हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे। फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पहले टोल पर। ये टोल अराउंड 24 किलोमीटर पे है। गाड़ी मैंने काफ़ी दिन बाद निकाली है, तो कुछ ज़्यादा अच्छी चल रही है। चलो देखते हैं आगे का सफ़र। अभी लखनऊ एक्सप्रेस से नीचे उतर आए हैं और इटावा अभी भी यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है, और तकरीबन 80 किलोमीटर में तय कर चुका हूँ पूरा कंप्लीट। अभी लगता है 1.5 घंटा लग जाएगा आने में, 1.5 घंटा मुझे लगेगा पहुँचने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड में चल नहीं रहा, बहुत स्लो चला रहा हूँ गाड़ी। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने गाँव, और ये ये हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों में। खेतों इन द सेंस कि हमारे खेत हैं, ये गांव में पुश्तैनी, तो उन खेतों में देखने आए थे, आज गांव आए हैं, तो सोचा खेतों में भी घूम लें अपने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। तो सब ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मैं गांव आया क्यों। गांव आया हूँ मैं अपने कज़न, मेरे कज़न की शादी है मेरे चाचा के लड़के की, तो उसमें एक ट्रस्म होती है गोद भराई की, जिसमें लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ जाते हैं, लड़की गोद भरते हैं। तो आज हम
जा रहे हैं वही उसी को पूरा करने के लिए। तो गांव पहुंचे थे, सोचा कि अपने खेतों पर भी घूमते चलें। तो अभी हम खेतों पर आए हैं देखने के लिए, कहीं अभी शायद ये बाजरा, ये भी ये अभी बाजरा उठा है अभी भी, यहाँ से बाजरा कट चुका है और कुछ खाली कुछ पोर्शन अभी बाकी है कटने को, और बाकी दूसरों में पानी लगना चालू हो गया है। अब मुझे, अब मैं गांव में तो रहता नहीं, तो मुझे खेती के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। साल में एक बार या दो बार आ पाता हूँ। यह हमारे आम के पेड़ हैं, इसमें बहुत अच्छे आमियाँ लगती हैं। आमियाँ मतलब इन द सेंस जो अचार में खाई जाती हैं वो, वैसे पकाने वाला आम तो मुझे लगता नहीं इसमें लगता होगा वो वाला, वो तो बाहर से ही आता है। तेरा ही तेरा आज तो बनना तो आरा मशीन तो लगो तू मेरे को ऐसा डंडा आज तो उन्हें तराई पर लगाए ठाणू कर दो आज कर तो हमें से आ चुके हैं जहाँ पर प्रोग्राम है। अब दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर गांव में प्रोग्राम कैसा होता है, और ये कुछ गांव की तस्वीर है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जी है दूसरी मॉर्निंग, अभी हम निकल चुके हैं वापस आगरा के लिए। अभी करीबन गांव से 70 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। यहाँ से आगे ये एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा आगरा के लिए। यहाँ से हम लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए चढ़ जाएंगे, और उसके बाद अभी पहुँचने टाइम लगेगा। सुबह शूट नहीं कर पाया आज किसी वजह से, तो गांव से निकलते समय शूट नहीं हो पाया, लेकिन आगे का कोशिश करेंगे करने की। बैटरी लो होने की वजह से गांव में नेटवर्क नहीं और लाइट दोनों चीज़ नहीं थी। अभी थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया है तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो पा रही है, वरना सुबह रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। चलो अब जब तक मैं एक टाइम लैप्स लेता हूँ और यहाँ पर रुका हूँ चाय पीने के लिए, तो चाय पीते हैं और टाइम लैप्स चेक एंजॉय कीजिए।
टू होम, मैं वापस आ चुका हूँ। सोचा इस वीडियो का यहीं पे एंड कर दिया जाए। आने के बाद मैं सो गया था, काफ़ी देर सोता रहा, 2 घंटे करीब। और आगरा में घुसने के बाद जो ट्रैफिक मिला है ना मेरे को फतेहाबाद रोड पे, मैं बता नहीं सकता, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। 2 घंटे करीब मैं फंस गया फतेहाबाद रोड पे, कुछ काम चल रहा जिसकी वजह से एंटर होते ही हमारा वेलकम इतना अच्छा हुआ कि हम 2 घंटे वहाँ पर जाम में फंसे ही रहे। फंसने के बाद निकल के आया, निकलने के बाद फिर घर आया तो काफ़ी थक गया था, तो थकने के बाद क्या करता है, मैं आया, खाना खाया, सो गया। सो के उठा हूँ, अभी वीडियो का एंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अच्छे करें, बुरे करें, कैसे भी करें, पर कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर। क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू किया है तो मेरे इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, आप जो देखने वाला होता है वो उस चीज़ को समझ सकता है और हमें बता सकता है कि क्या गलती की और क्या सुधार हो सकता है। प्लीज़ आप हमें बताएं, मुझे बताएं कि क्या ठीक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या हो सकता है, वो भी सजेशन दें। और लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें ताकि लोगों तक पहुँचे और वो भी देख सकें, इन्जॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, आशा करता हूँ कि आप प्लीज सब लोग ठीक रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे, चलता हूँ, गुड बाय।